वो शायद 23,000 mm आता था, तो 250 लीटर का डीजल खा गया आपकी गाड़ी। मतलब नहीं, अंडरलोड में रुक जाती सर, अंडरलोड में रुक जाती है। जो 19-18 और T18 क्या एक फर्क आ जाता है दोनों में? सस्ता पड़ गया आपको ये तो? हाँ जी, हाँ जी, नहीं देते, नहीं देते इतना बजट, नहीं देते। तो कुछ भाड़े वाले का कुछ बंद कर दो, पता बंद करेगा, गाड़ी स्टार्ट है। मुझे आपका किन्नू गेड़ी है पंजाब से? हाँ जी, माइलेज तो मतलब बहुत अच्छा है इसका। कि अपने पास भरा है 12 टन, पैसा 16 टन का मिलता है। कन्याकुमारी, पांडेचेरी, बैंगलोर, अल्ट्रा गाड़ी तो बहुत दी बेस्ट। कच्चे माल पे वो गाड़ियाँ क्यों नहीं चल सकती? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई अल्ट्रा सीरीज में T16 अपन बना चुके थे और 19-18 जो थी, 19-18 थी, मैं भूल तो नहीं रहा, वो भी बना चुके थे। T18 की बहुत डिमांड आ रही थी, इसमें T19 भी आया है जो नया वाला, वो अभी तक मुझे दिखा नहीं, वो भी रह गया, उसका भी बनाएंगे। लेकिन 18 की डिमांड आपकी आई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, T18 आ चुका है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे इसका लोग बोलते हैं, जैसे मेरे पास कमेंट में आया था, भाई इसका कंपैरिजन बताना आप, कि 19-18 और T18 क्या एक फ़र्क आ जाता है दोनों में? देखिए, कोई खास फ़र्क नहीं है। सबसे पहले मैं इंजन बता दूं, इसमें 5 लीटर का इंजन आता है, 5005 cc का इंजन आता है। 19-18 में भी जो 5005 cc का ही इंजन है, दोनों में पावर सेम आती है, 180 hp, 180 hp की पावर आती है, 700 nm, 700 nm का टॉर्क आता है। लेकिन इसकी जो पासिंग है, इसका जो पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है, ये शायद 17,600 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है, और 11.5 टन ये पासिंग आता है, 11,500 kg ये पासिंग आता है। लेकिन 19-18 जो है उसका 18,500 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है, और 12.5 टन वो पासिंग आता है, 12,500 kg वो पासिंग आता है। लेकिन इसका जो इंजन है, ये न्यू जनरेशन 5 लीटर का इंजन है, 5 लीटर 505 cc का न्यू जनरेशन इंजन है। लेकिन उसमें जो इंजन आता था वो टर्बोट्रॉन CIDI पहले का इंजन आता था। ये एक फ़र्क हो जाता है, 4 सिलेंडर ही इंजन आता है, पासिंग का फर्क हो जाता है। एक और मेजर फर्क ये जाता है, मैं आपको दिखाते दिखाते वो फर्क बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। प्राइस में तो आपको फर्क देखने को मिलेगा ही, 30 लाख के आसपास पूरा ऑन रोड ये गाड़ी आती है, उसके आसपास अलग अलग स्टेट के हिसाब से प्राइस होगा, दोनों में के प्राइस में भी फर्क होगा, अंकल से अपन पूछ लेंगे। एक और जो चीज़ मैं बता रहा था आपको, एक टर्निंग रेडियस होता है कि कितने कम जगह में गाड़ी मुड़ जाती है, वो mm से आता है। तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो 11,500 mm है, लेकिन उसका जो टर्निंग रेडियस आता था वो शायद 23,000 mm आता था, तो वो ज़्यादा जगह में मुड़ती थी, ये और कम जगह में मुड़ जाएगी, ये एक बेनिफिट हो जाता है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पवन अंकल हमारे साथ है, पवन अंकल बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। पवन अंकल, कितने फिट की बॉडी है ये? सर 20 फुट की है। 20 फुट की बॉडी है, आजकल आप बोलते ना बॉडी बताया करो, तो 20 फुट की बॉडी है, और ये है हिमाचल प्रदेश का ट्रक, और उसी तरीके से मॉडिफाई करा के रखा है जैसे आप देखेंगे। और हाँ, एक और डिफरेंस आता, उसका 225 लीटर का डीजल टैंक आता था, इसका 250 लीटर का डीजल टैंक आता है। ये इसका फिल्टर लगा हुआ है, ये एड ब्लू लगा हुआ है, यही सारे सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 टायर ट्रक है, इस टाइप की पूरी बॉडी बनी हुई है, खूबसूरत है बॉडी देखने में, देखिए आप। आ रहा हूँ मैं अंदर ही आपके पास, ये देखिए बॉडी की प्रोफाइल लेते हुए दिखाता हूँ मैं, खूबसूरत वे में मॉडिफाइड व्हील कवर अच्छा है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप तो ऊपर भी भाई ने कुछ ना कुछ लिख के रखा, कलाकारी करके रखी है, और अल्ट्रा T18 की बेजिंग अल्ट्रा है यहाँ पर। अल्ट्रा की एक हमेशा जो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वाला पोर्शन यहाँ पर टाटा लिखा हुआ, और एक हेडलाइट है, हेडलाइट हैलोजन ही है, ऊपर इंडिकेटर मिल जाते हैं, वो अच्छी लगती है। व्हील कवर्स इसके खूबसूरत हैं, ये इस तरीके का प्रोफाइल है यहाँ पर, और प्रेशर टैंक देखिए, नए ट्रक है तो यहाँ पर ऊपर बैटरी मिल जाएगी, नीचे 2 बड़े बड़े प्रेशर टैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से इसका कैबिन, इसका बॉक्स केबिन है, उसका कस्टमाइजेबल केबिन आता था, ये इसका फटा बॉक्स है, ये टूल बॉक्स टाइप कुछ लगा के रखा है। अब मैं चलता हूँ अंदर, ये आर्मी का फोटो लगा के रखा, और अंकल ने बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा सवार के रखा है ट्रक को, खूबसूरत में ये देखिए आप। और बाकी तो टाटा कहते ही है कि हमारा जो अल्ट्रा ट्रक होते हैं वो कार जैसे होते हैं, तो ये देखिए अंकल ने बहुत अच्छा बनवा के रखा है इसको, सीट वीट को बिल्कुल नया है, और ये जो ट्रक है कार की फीलिंग तो आपको देगा ही, क्योंकि ये देखिए, हाय हाय हाय, बिल्कुल अंकल ने बहुत अच्छा कर, अंकल आपने बहुत नया झकास रखा है अंदर से इसको। पवन अंकल कितना टाइम हो गया आपके पास इसको? जो सर 5 महीने हो गए इसको। 5 महीने? हाँ जी। तो मतलब आप इसको साफ सफाई वगैरह सब करते ही रहते हैं परमानेंट? हाँ जी, हाँ जी। कितना का लिया था पवन अंकल आपने? लिया तो सर मैंने 21,000। 21 लाख? हाँ जी, लाख 21। यार सस्ता पड़ गया आपको ये तो? हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल प्रदेश में सस्ता पड़ता है क्या? नहीं सस्ता तो नहीं है, चलो। इसमें जैसे अगर 19-18 भी आता है, और एक अभी जो नया आया 19, हाँ जी, वो नहीं लिया आपने, ये लिया मतलब? नहीं नहीं, वो तो सर मेरी नॉन एसी है, वो एसी वाली है ना सर, वो तो अभी सिर्फ यही फर्क है 19, जो नई वाली 19 आती है, गाड़ियों तो सेम है सर, उसमें एसी है सर, बाकी कुछ नहीं है। और 19-18 भी तो आता है, वो पासिंग ज्यादा मिल जाती है, उसमें पासिंग ज्यादा है, वो क्यों नहीं लिया आपने? पासिंग ज्यादा मिल जाती है अपना, कुछ
बजट नहीं पास नहीं था। अच्छा बजट पास नहीं था, मतलब आपका मूड ये वाला लेने का बन गया। गाड़ी अच्छी है। अच्छा एक और चीज बताइए, जैसे अशोक लीलैंड, भारत बेंज, हाँ जी, ये 6 टायर, इन गाड़ी को छोड़ के आप इस पे क्यों गए टाटा? नहीं सर, टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी है। टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगता है आपको इसमें? माइलेज, एवरेज, हर चीज है। हर चीज अच्छी। क्या एवरेज दे रही है ये? मेरी गाड़ी दे रही है 650 की। मतलब कंपनी 6 का बोल रही है लेकिन ये 650 का माइलेज दे रही है। हाँ जी, माइलेज तो मतलब बहुत अच्छा है इसका। हाँ जी, ये लाइट शायद इसलिए जल रही है, गेट खुला है ना। हाँ जी, मतलब इसमें ये वाला फीचर है कि गेट खुला है तो लाइट जलेगी। यहाँ पे कोई लगाने के लिए दे रखा है कि आप अलग से कुछ लगा सकते हैं? टाटा की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, यहाँ स्टोरेज है। ये वाला चीज तो बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम कार वाला फील दे देती है। ये स्टोरेज यहाँ मिल जाता है, छोटा सा नीचे भी स्टोरेज इसमें दे रखा है बड़ा सारा। और बाकी ये इसकी कुछ ऐसा स्टेयरिंग और ये सब चलने में बड़ा मजेदार होगा दूसरे ट्रक से। कार की तरह है, कार की तरह चलती गाड़ी। आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो आपको ट्रक लाइन में कितना टाइम हो गया? मेरे को सर हो गया 27 ईयर। 27 साल। 27 साल से आप मोटर मालिक की गाड़ी चलाता हूँ, शुरू से गाड़ी। तो आप शुरू से ही मोटर मालिक हैं कि धीरे से बने? नहीं, मैं अभी बना सर, अभी तो 6 महीने हुए। 6 महीने पहले ही बने, इसके पहले आप ड्राइवर थे। तो आपने ऐसा क्या सोचा अंकल कि मुझे ट्रक लेना चाहिए? नहीं चलो सर, कुछ नहीं है, बिजनेस है हमारा और कर भी क्या सकते हैं। आप जैसे कच्चे माल पे ही टोटल इसको चलाते हैं? हाँ जी, टोटल। कहाँ से कहाँ चलाते हैं आप? मैं चलता हूँ सर श्रीनगर से कन्याकुमारी, पांडेचेरी, बैंगलोर और हैदराबाद। हाँ जी, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया चलते हैं। हाँ जी। ज्यादातर क्या लेके जाते हैं आप? बस ये फ्रूटी, सेब हो गया अपना, सेब हो गया, अनार हो गया। हाँ जी। तो मतलब ये मतलब सब्जियां लेके नहीं जाते और ज्यादा? हाँ जी, सब्जी ढोते हैं ज्यादा। सब्जी ढोते? सब्जी में गाड़ी अच्छी चलती है ना सर, माइलेज एवरेज सब अच्छी भागती है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं पवन जी? मैं आ रहा हूँ जी पंजाब से। पंजाब से भोपाल आ रहे हैं? हाँ जी। कितना किलोमीटर? ये सर 1200 किलोमीटर। कितना टाइम लग गया आपको? ये 48 घंटे। 1200 किलोमीटर में कितना डीजल खा गई होगी आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी खा गई सर 250 लीटर। 250 लीटर? 250 लीटर का डीजल खा गई आपकी गाड़ी। मतलब वहाँ से आपको क्या भाड़ा पड़ा होगा पवन जी यहाँ तक? मेरा भाड़ा बन गया सर यहाँ 50,000। 50,000 1200 किलोमीटर का? हाँ जी हाँ जी। उसमें डीजल आपका लग गया होगा 20-25 हजार का? हाँ जी हाँ जी। और बाकी टोल का मतलब वो ये 10-15 हजार की खाली बचत होगी? 15-16 हजार बचेगा जी। और यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे? यहाँ वापसी देखते हैं सर, जो मिल गया मतलब। और ये जो आप चलाते हैं हिमाचल प्रदेश के ही ट्रांसपोर्टर से चला रहे हैं पवन जी, या फिर यहाँ के ट्रांसपोर्टर से चला? नहीं, हम हिमाचल से जी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर से कोई पहचान नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। तो अभी जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ आपके पास माल नहीं है, तो यहाँ के ट्रांसपोर्टर से बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे कोई बात नहीं। हाँ हो जाता। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कैसे बनाया आपने? चलो बना लेंगे किसी की, कॉन्टेक्ट ले लेंगे। नहीं मतलब जैसे अभी आप बैठे हैं तो यहाँ पर कैसे माल मिलेगा आपको? यहाँ तो सर अब देखो ना, अपने हिमाचल बात करेंगे। अच्छा, कॉन्टेक्ट करेंगे। अच्छा, तो टोटल आप कच्चे माल भी चलाते हैं? पूरे साल भर में कितनी ट्रिप लगा लेते हैं आप? अभी तो सर कुछ नहीं, अब तो 6 महीने हुए तो। अरे सॉरी, साल भर में नहीं, महीने भर में कितने ट्रिप लगा लेते? महीने के 4 लगा लेते सर हम। 4 ट्रिप लग जाती है? क्या किस्त निकलती है अंकल इसकी, पड़ती है? हमारी है 49,000। 49,000 इसकी किस्त बनती है। ये वाली गाड़ी जो 6 टायर, ये कच्चे माल के लिए ही बेस्ट है। बहुत बेस्ट है, दे बेस्ट है ना, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा आप शुरू से टाटा चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो सर्विस है, मेंटेनेंस है, वो दूसरे ट्रक से कम पड़ेगा आपको? हाँ थोड़ा कम भी है जी। हैं? हाँ जी कम भी। अच्छा कल ही मैंने वो एक हमारे उत्तराखंड वाले भाई साहब, उनसे पूछा था कि घाट वाले सेक्शन के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी होती है, तो उन्होंने बताया भी कि हिमाचल इधर उधर जो है ज्यादातर आपको अल्ट्रा गाड़ी देखने को मिलेगी टाटा की 6 टायर, ये घाट पे सही रहती है। जैसे ये पासिंग आती है मेरी 11.5 टन, ज्यादा से ज्यादा कितना ले जा सकती, ताकत कितनी है इसमें? ये ले जाती 15-16 टन पहाड़ में। 15-16 टन आराम से ले जाएगी? आराम से ले जाती गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लेकिन ओवरलोड में आपको दिक्कत तो नहीं आती होगी? नहीं दिक्कत तो बस कुछ नहीं है, ब्रेक की थोड़ी है, बाकी कुछ नहीं। ब्रेक की? हम अंडरलोड चलते हैं, कच्चा माल होते ज्यादा। अच्छा पवन जी, जैसे आपकी गाड़ी है HP हिमाचल प्रदेश नंबर पे, हाँ जी, तो आप जब MP वगैरह आते हैं तो आपको इस HP नंबर होने की वजह से परेशानी तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। RTO बॉर्डर की कोई परेशानी तो नहीं होती? ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम जैसे आप कच्चे माल पे तो गाड़ी आपको टाइम पे पहुंचानी ही पड़ती होगी, हाँ जी, है ना? तो मैक्सिमम कितना चलाते हैं इस गाड़ी को आप, कितनी स्पीड तक चली जाती है और अच्छी चलती है? चलती है जी 80-85। 80-85? बढ़िया चलती है। अगर 80-85 पे कभी ऐसी इमरजेंसी ब्रेकिंग की सिचुएशन आ जाए तो ये गाड़ी रुक जाएगी? नहीं अंडरलोड में रुक जाती है सर। अंडरलोड में रुक जाती है? रुक जाती है, रुक जाती है। ऐसा तो नहीं कि एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगा गाड़ी पलट जाएगी? अंडरलोड के लिए रुक जाती है गाड़ी। अंडरलोड के लिए रुक जाती है? हाँ जी। जैसे अभी मान लीजिए अभी भोपाल आप आए हैं, अगर भोपाल नहीं आना हो तो इससे पहले कहाँ गए थे आप गाड़ी लेके? इससे पहले मैं गया था सर अपना क्या बोलते इसको सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ से? सिलीगुड़ी गए थे? मैं गया था उधर से पंजाब से। पंजाब से सिलीगुड़ी क्या लेके गए थे आप? यही ले किन्नू है? किन्नू ये संतरा। अच्छा ये अभी भी संतरा लेके आया? अभी संतरा ही है। तो वहाँ भी संतरा लेके गए थे आप किन्नू? तो पंजाब से किन्नू कितना पड़ता है? हाँ जी
आपका किन्नू गेड़ी है पंजाब से? हाँ जी। कितना किलोमीटर पड़ेगा? गुवाहाटी जी जी गुवाहाटी पड़ गई हमारा 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर? हाँ जी। कितने दिन में पहुंच गया था 2100 किलोमीटर? पांचवें दिन। पांचवे दिन तो उसका तो उसका क्या भाड़ा पड़ेगा आपको? उसका पड़ेगा हमारा 1.10। 1.10? हाँ जी। तो मतलब ये जो जितना लंबा किलोमीटर होता है उतना भाड़ा पड़ता है और उतनी बचत होती है। मतलब गाड़ी में ऐसा है कि जितना ज्यादा दूरी होगी हाँ जी उतना ज्यादा ही भाड़ा होगा और उतनी ज्यादा ही बचत होगी। हाँ जी। और दूरी कम है तो बचत हाँ जी कम होगी। कम होगी हाँ जी। अच्छा और जी एक जानकारी तो दीजिए, कच्चे माल में मैंने सुना है ऐसा माल भी मिल जाता है जैसे कि अपने पास भरा है 12 टन, ऐसा 16 टन का मिलता है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं सर। ऐसा क्योंकि एक ड्राइवर भाई से मिला था वो बोला था पास ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नहीं हमारे साथ हुआ भी नहीं ऐसा। आपके साथ हुआ भी नहीं? नहीं। तो आपने ये जब ट्रक लेने से पहले जो आपने ट्रांसपोर्टर से पहचान करी थी तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही पहचान करी थी या फिर आप जो? नहीं सर पूरे पूरे साउथ इंडिया में। पूरे साउथ इंडिया में? क्योंकि आप उस रूट पे चलते होंगे चलते तो वहाँ पे आपने सब ट्रांसपोर्टर से पहचान कर ली होगी। आप पहले 6 टायरी ट्रक चलाते थे या कोई बड़ा ट्रक चलाते थे? नहीं 6 टायरी चलाता सर पहले। शुरू से 6 टायर चलाया मतलब बड़े ट्रकों पे आप गए ही नहीं? नहीं नहीं। आपके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया दीजिए पवन जी, जैसे आप 27 साल आपको इस लाइन में हो गए हैं तो ये तो अपन ने मान लिया कि जो 6 टायर ट्रक है वो कच्चे माल पे चलेंगे, लेकिन ज्यादातर 6, 10 और 12 टायर ही कच्चे माल पे चलते हैं। उसके ऊपर जो ट्रक आ जाते हैं 16, 22 चक्का ये सब जो आ जाते हैं वो बड़े माल पे चलते हैं। तो क्या लगता है आपको वो जो बड़ी गाड़ियां हैं वो ज्यादा इनकम कर लेती है छोटी गाड़ियां ज्यादा इनकम कर लेती है? सर इनकम तो उनकी भी ज्यादा है ना, उनका किराया भी वैसे बनता है ना सर। हमारे टायर 6 है उसके 12 टायर है। हाँ। ये भी तो डिस्टेंस, ये भी तो फर्क है। लेकिन जैसे कि आपने बताया इसमें मतलब ट्रिपे ज्यादा लग जाती है, उसमें कभी कभी 10-10, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं एक ही ट्रिप। किराया तो सर हम 2 चक्कर लगाएंगे एक ही लगाएंगे, फायदा है। हाँ फायदा उनको ज्यादा है ना। तो एक बात ये बताइए ये कच्चे माल पे वो गाड़ियाँ क्यों नहीं चल सकती? नहीं चलती है 6, 12 टायर चलती है 10 नहीं, जो 18 टायर आती है और जो 22 चक्के आते हैं वो कच्चे माल पे क्यों नहीं चलती सर? उनको पार्टी वाले माल देते भी नहीं ना है, वो लंबी गाड़ी है ना उनको उतना वजन होना चाहिए ना, कच्चे माल तो अंडरलोड होता है। अब जैसे मान लो ओवरलोड माल आप 11 टन ले जा रहे हैं। हाँ जी। तो अब ये 11 टन माल है मान लो? नहीं 11 टन नहीं है, 9.5 टन है। 9.5 टन माल है तो 9.5 टन माल मान लो अगर 30 टन हुए माल तो एक ही बार में उस गाड़ी में चला जाएगा। हाँ, चला तो उस गाड़ी को नहीं देते ये? नहीं देते, नहीं देते इतना वजन नहीं देते। तो कुछ भाड़े वाड़े का कुछ वजह रहती है, ये वजह रहती है इस वजह से नहीं? नहीं इनका माल सेफ रहना चाहिए सर, कच्चा माल जो होता है सेफ रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा उन गाड़ियों में खराब मतलब ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, दबाव पड़ जाता है? दबाव पड़ जाएगा तो इसमें दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज रहती है। तो आपके हिसाब से जो है कि ये टाटा अल्ट्रा गाड़ी बेस्ट है अगर कोई लेना चाहता है तो? हाँ, बहुत अशोक लीलैंड और आयशर पे ना जा। वैसे आयशर भी तो एक अच्छी चॉइस थी? नहीं 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 सर हमारी तो देखो हमारी तो टाटा की गाड़ी भी पसंद है पहले शुरू से ही, मतलब सीधी बात और अल्ट्रा गाड़ी तो बहुत दी बेस्ट कार की तरह भागती है। मतलब सीधी बात नो बकवास, टाटा अल्ट्रा ही सबसे बेस्ट है, टाटा अल्ट्रा ही चाहिए। टाइम कवर कर जाती है पूरा, पूरा टाइम कवर कर जाती है, ड्राइवर सो भी जाए 2-3 घंटे फिर भगाओ फिर टाइम कवर होता है। अच्छा इसलिए आपको ये गाड़ी ज्यादा पसंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी, आपकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है। एक बार गाड़ी बस एक बार साउंड सुना सकते हैं आप स्टार्ट करके हमें, अगर आपकी मर्जी हो तो? सर कोई बात नहीं स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत मक्खी हो गई पीछे, फल फ्रूट रखे ना इस वजह से। जरा से सेल्फ में गाड़ी जो है बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो भाई अगर मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा तो वाइब्रेशन नहीं है, गियर देखो आप कहीं भी लगा लो कोई वाइब्रेशन नहीं है, बैठने में भी वाइब्रेशन। ये मैं दिखा दिया आपको, खिड़की बंद कर दो तभी पता लगता गाड़ी स्टार्ट है। अच्छा एक बार उसको बंद करिए ना गेट को, जैसे बंद कर दो पता बंद चला गाड़ी स्टार्ट है। बहुत लाइट सा, जैसे दोनों विंडो बंद है ना तो बहुत लाइट सा एकदम लग रहा है कि हाँ गाड़ी स्टार्ट है, कोई साउंड भी आ रहा है उसमें। बंद कर दीजिए। ठीक है पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ये हो गया हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट। टाटा T.18 की भी आपकी डिमांड पूरी हुई, अब बचा T.19 और जो मेन डिमांड टाटा योद्धा सुपर कैरी और जो 16-13 मॉडल याद है मुझे, इसलिए मैं बार बार रिमाइंड करा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, मुझे याद है मैं वो भी बना दूंगा। बाकी ये वाला वीडियो था हमारा छोटा मोटा वीडियो, बस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।